हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस पुरानी पैंट का फिर से उपयोग करेंगे। इस पैंट से हम डोरमैट बनाएंगे। पैंट के एक लेग से मैंने एक बड़ा सा सर्कल काट लिया है। इसका डायमीटर लगभग 18 इंच है। पैंट की चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए हम इससे बड़ा सा पीस निकाल सकते हैं। लगभग 2 इंच की दूरी पर मैं मार्क कर रही हूँ। अंदर हमें एक छोटा सर्कल बनाना है। जगह जगह पे आप मार्क कर लीजिए, इसे आसानी से हम अंदर एक सर्कल बना लेंगे। इसके अंदर भी 2 इंच पे हमें मार्क करना है और एक और सर्कल हमें अंदर बना लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। डोरमैट का बेस बन गया है। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए एक छोटा सा पीस काटेंगे। कपड़े का जो टुकड़ा मैंने काटा है उसकी लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। इसको बीच से हम फोल्ड कर लेंगे और पत्ती के शेप में हमें इसे काट लेना है। इसी तरीके से हमें सारी पत्तियाँ काट लेनी है। ये लगभग 28 पत्तियाँ हैं। इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है। एक साइड से हमें इस तरीके से लगानी है। स्ट्रिप मैंने करीब 1.5 इंच चौड़ी ली है। इसमें हमें तिरछी वाली स्ट्रिप का ही यूज़ करना है। अगर हम सीधी पट्टी लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं लगेगी। इसी तरीके से हमें एक साइड से सिल लेना है। उसके बाद उसको पलट कर हमें दूसरे साइड से सिलाई करनी है। थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। आप अलग अलग रंग की पाइपिंग लगा सकते हैं। इसी तरीके से सारी पत्तियों में हमें पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग के लिए मैंने रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया है। जो पत्तियाँ हमने बना ली हैं उसे हम डोरमेट में लगाएंगे। पहले डोरमेट के किनारों को हम सिलाई कर लें। पहले हम किनारे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद डोरमेट को हम आगे बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम पत्तियाँ लगाएंगे। तो जहाँ हमने गोलाई में सर्कल ड्रॉ किया था उसी पे हमें पत्तियों को लगाना है। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए थोड़ा थोड़ा सारी पत्तियों को हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से हम एक पत्ती रखेंगे। अब दूसरी पत्ती उसके ऊपर रखकर हमें लगाना है। अब तीसरी पत्ती रखेंगे। इसी तरीके से हमें सारी पत्तियों को लगा लेना है। सभी पत्तियों को मैंने गोलाई में लगा लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली रह गई है तो उसके ऊपर हम सिलाई करके डोरमेट के बेस को पत्तियों के साथ पूरी तरह से जोड़ देंगे। तो किनारे किनारे हमें सिलाई करनी है। अब देखिए, हमने सिलाई कर ली है तो डोरमेट नीचे से भी पत्तियों के साथ पूरा सिल गया है। अब जो दूसरा हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें ग्रीन पाइपिंग वाली पत्तियाँ लगानी है। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। ये पत्तियाँ भी हमने लगा ली हैं। अब इसके ऊपर हमें ब्लू पाइपिंग वाली पत्तियाँ लगानी हैं। इसमें हमें पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा चढ़ाकर लगाना है क्योंकि जगह कम है। इसमें हम करीब 6 पत्तियाँ लगाएंगे
और इसी तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। डोरमेट के बीच में लगाने के लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, ये करीब 4 इंच चौड़ी है। दोनों साइड से हमें इसे सिलाई कर लेना है, थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। स्ट्रिप मैंने तैयार कर ली है, इसमें हमें चुन्नट देकर सिलाई करना है। इस तरह से चुन्नट देते जाएंगे और डोरमेट के बीच में हमें इसे सिलते जाना है। जहाँ से हमने ब्लू पाइपिंग वाली पत्तियों को लगाया है वहीं से हमें इसे सिलते जाना है। अंदर की जितनी भी खाली जगह होगी उसमें हमें इसी तरीके से फ्रिल बनाते हुए उस जगह को भर लेना है। अभी मैं रेड लगा रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी। 3 कलर का यूज़ करते हुए इसे मैंने पूरा बना लिया है। पीछे से इस तरह का दिख रहा है, आप इसे आसानी से घर में धो सकते हैं। डोरमेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।